हेलो जी, हम आए हैं दिल्ली से रोहतक हरियाणा में, जो कि 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे है दिल्ली से। यहाँ हम 8-9 महीने पहले भी आए थे। यहाँ के हमने काफ़ी आउटलेट्स आपके सामने पेश किए थे, काफ़ी प्यार मिला था और दिल्ली से स्पेशली लोग जाके खा रहे थे। तो हमें लगा एक ट्रिप और बनती है रोहतक की, जो हमारी पिछली बार जगहें रह गई थी वो कवर करने के लिए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और हल्की हल्की बारिश में पकौड़े, जी हाँ, ये कोई वो वाले पकोड़े नहीं है बारिश वाले, ये है मच्छी के पकोड़े। और यहाँ पर मिलता है खास लेमन चिकन। 2 आपको आउटलेट दिखाएंगे एक वीडियो में, कहाँ? रोहतक में। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो झमाझम बारिश शुरू हो गई है रोहतक में और हम खाएंगे पकोड़े और लेमन चिकन। चलिए सबसे पहले आपको लोकेशन और दुकानें समझाते हैं कहाँ आए हैं हम हैं इस वक्त सर्कुलर रोड, जो कि अशोका चौक रोहतक में है, बिल्कुल वहां पर है ये भीम सिंह मच्छी वाला। यहाँ का गूगल मैप लोकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप आना चाहते हैं बड़े आराम से आ सकते हैं। और कैमरा घुमा के आपको दूसरा आउटलेट दिखाते हैं कि जोन सा हम कवर कर रहे हैं वो देखिए सड़क के उस पार। ये देखिए, ये जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ ये है रवि लेमन चिकन। जी हाँ, यहाँ पर हम लेमन चिकन खाएंगे और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ जहाँ बारिश भी हो रही है, सबसे पहले खाएंगे मच्छी, वो भी फ्राइड मच्छी के पकोड़े। तो ये मच्छी का आउटलेट मेरे पीछे है, सिटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, टेक अवे काइंड ऑफ आउटलेट है। चौड़ी सड़कें हैं लेकिन काफ़ी भीड़ भड़ाक वाली सड़कें हैं और ये टेक अवे आउटलेट है। अपनी प्लेट लीजिए, गाड़ी में बैठ के खाइए या खड़े होके खाइए, ऐसा ये सेटअप है। आइए इनकी रेट लिस्ट दिखाता हूँ आपको। तो लीजिए इनकी रेट लिस्ट, पेश है मछली बगैर कांटे वाली, जी हाँ, 200 ग्राम 200 की। अमृतसरी बोनलेस सोल 300 रुपये की, कांटे वाली सुरमई 300 रुपये की 200 ग्राम मछली, कांटे वाली 100, अमृतसरी तंदूरी सोल 400, सुरमई तंदूरी 400। कुणाल जी हमारे साथ है जो इस आउटलेट के कर्ता धरता हैं, ये आप भतीजे हैं भीम सिंह जी के? हाँ, 84 से मेरे फादर साहब संभाल रहे हैं। आप संभाल रहे हैं और आपका यही आउटलेट है या और भी आउटलेट है? फिलहाल अभी 2 आउटलेट है। हाँ, एक 10 दुकान आगे, ये ब्रांच पहले दिल्ली रोड पे होती थी, अब सर्कुलर रोड पे है। इस सर्कुलर रोड पे है। और अगर कोई फूडी आए आपके पास, यहाँ 2-3 टाइप की मच्छी है, कोई एक मच्छी आपकी पसंद कर रहे हैं, कौन सी खाए? व्हाइट सोल अमृतसरी बोनलेस। अच्छा, वो वाली आपकी सबसे बेस्ट है। और पूरे साल रहती है? पूरे साल रहती है, 12 महीने रहती है। इसके अलावा सैंग्विन मछली आपको 12 महीने मिल जाएगी। ये दोनों मछली हमारी टॉप मोस्ट सेलिंग है। और दुकान की टाइमिंग्स क्या रहती है? दुकान की टाइमिंग शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक। रात को 9 बजे। हाँ जी। और कोई डिलीवरी वगैरह भी है? हाँ, डिलीवरी के ऑप्शंस है, अपनी पर्सनल डिलीवरीज हैं। अच्छा, वो अवेलेबल है, उसके लिए हमारा नंबर है, वो लगभग सभी कस्टमर्स के पास है। तो इनका यहाँ का गूगल मैप लोकेशन इस वीडियो में डाल देंगे, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं उसको फॉलो करके इनकी दुकान तक आप आ सकते हैं। तो लीजिए मच्छी तैयार होती हुई, ये मैरिनेट करके ये क्रम्स में मच्छी को लगाए जा रहे हैं, मच्छी को क्रम्स। और किस चीज़ की मैरिनेशन रहती है भैया? बेसन की मैरिनेशन रहती है। और वाह, और मसाले वगैरह कैसे रहते हैं? बढ़िया होते हैं। बढ़िया मसाले क्या डाला जाता है, कुछ थोड़ा सा बताओ, हल्का फुल्का? हाँ, गरम मसाले वगैरह। अच्छा, सारी चीज़ होती है। सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स में लगा के, ताकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन सके। तो एक प्लेट हमारे लिए लगा दीजिए मच्छी। तो लीजिए हमारे लिए 200 ग्राम मच्छी तोली जा रही है। तो 200 ग्राम 200 रुपये की, और ये गई तेल में। भैया कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो? सरसों का। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो तेल को देख के कहेंगे कि डीजल ऑयल है, जबकि अगर आप सरसों के तेल की प्रिपरेशन देखें तो कुछ देर बाद ऐसा ही रंग होता है सरसों के तेल का। ये नेचुरल है, फ्रेश है। तो इसको 1-8 मिनट लगेगा तैयार होने में। और लीजिए मच्छी, ये डबल फ्राई करते हो या सिंगल? सिंगल फ्राई। वाह जी वाह। तो क्रम्स लगा दिए गए हैं, उम्मीद है अच्छे से सुपर क्रिस्प होगी होगी। ये देखिए कितना प्यारा सुनहरा रंग निकल के आया है। और क्वांटिटी देखिए 200 रुपये में। मत इतना कर रखी जय ये बा है।
250 रुपये पहिया 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 दो जगह कर दे। और पूरा साल रहती है मच्छी? पूरा साल। लाओ जी, तो सबसे पहले मच्छी पेश है, कैमरा क्लोज लाइए, ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कर दी गई है मच्छी एकदम, साथ में चटनी प्याज और नींबू। 200 रुपये इसकी कीमत है, जो मुझे लगती है बहुत सही सिंगाड़ा फिश है और पूरे साल यहाँ सर्व की जाती है सिंगाड़ा फिश, भीम मच्छी वाला। जी हाँ, रेट वाइज तो बहुत सही निकला है। टेस्ट देखते हैं, ये देखिए मच्छी देखिए, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्राई किया गया है। हल्का सा प्याज लगाते हैं, चटनी लगाते हैं। चीयर्स। मछली जल की रानी है, डैश के साथ खानी है। जी हाँ, फिलिंग द ब्लैंक पूरा करिए, मछली जल की रानी है, डैश के साथ खानी है। जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। चटनी लाजवाब है, बढ़िया फिश को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मुझे लगता है कि जो मच्छी के शौकीन हैं उनको ये मच्छी पसंद आएगी। रेट भी रीजनेबल है, टेस्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी बेटर है। तो मेरी तरफ से थम्स अप इस जगह को। तो फिश खाने के बाद हम स्पेशल फेमस लेमन चिकन खाने आ गए हैं रवि का। जी हाँ, रवि लेमन चिकन वाले, ये मेरे सीधे हाथ पे इनका आउटलेट है, टेक अवे काइंड ऑफ आउटलेट है। और फुल चिकन की कीमत है 600 रुपये और हाफ चिकन की कीमत है 350 रुपये। चलिए आपको चिकन इस वक्त बन रहा है दिखाते हैं आपको प्रिपरेशन। तो लीजिए, ये लेमन चिकन तैयार होते हुए। रवि जी जो हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या खासियत रहती है इनमें। देखो जी, ये फ्रेश बनाया जाता है, जब कस्टमर आता है हमारे पास उसी टाइम ही हम ऑर्डर लेते हैं, तो उसी टाइम ही रेडी करते हैं। अच्छा, 20 और 25 मिनट का टाइम लेते हैं हम। अच्छा, तो उन्हीं के सामने ही बनता है। और किस टाइप के मसाले रहते हैं, कैसी प्रिपरेशन रहती है? काली मिर्च है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। काली मिर्च, सिर्फ काली मिर्च। और ये जो टमाटर वगैरह, ये बटर में पक रहा है जी। अच्छा, बटर में पक रहा है। हाँ, ये येलो बटर में पक रहा है। अच्छा, ये बटर डालते हैं हम। अच्छा, वीटा के मक्खन में। और ये रंग कैसे आ रहा है लाल, ये किस चीज़? टमाटर का नेचुरल कलर है जी। टमाटर डाला हुआ? हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, टमाटर हल्का सा टमाटर है इसके अंदर। अच्छा जी। और नींबू है इसके अंदर 3-4। नींबू और टमाटर का इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है। कम यूज़ करते हैं, नींबू ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सिर्फ काली मिर्च डालते हैं, मसाला कोई भी नहीं है इसके अंदर। मसाला कोई नहीं, सिर्फ काली मिर्च। सिर्फ काली मिर्च, अपने हाथ की पीसी होती है वो भी। और मैं आपको बता दूँ, खुशबू मुझे यहाँ आ रही है, लेकिन इसकी खुशबू की वहाँ दिल्ली तक फेमस है, वहाँ भी आपके लेमन चिकन का बहुत नाम है। गुड़गांव और दिल्ली मेरा नेचुरल रेगुलर ले जाता है यहाँ से। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये लगभग रेडी हो चुका है, ये थोड़ी सी ये हरी मिर्च, हरी मिर्च डाल दे, काली मिर्च। ये गई हरी मिर्चें और अब जा रही हैं काली मिर्च। काली मिर्च स्वाद अनुसार आप स्पाइसी खाते हो तो स्पाइसी बन जाएगा, जैसा खाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। तो लीजिए, रोहतक का स्पेशल फेमस लेमन चिकन तैयार होते हुए। तो लीजिए, बड़ी ही प्यारी महक आनी शुरू हो गई है और ये लेमन चिकन हो गया है तैयार। तो लीजिए, लेमन चिकन हो गया है तैयार और रंग देखिए, रूप देखिए, कितना प्यारा निखर के आया है। ये जा रही है टंगड़ी और बहुत बड़े बड़े पीसेस यूज़ नहीं किए जाते, बड़े ही मीडियम साइज़ का लेमन चिकन के लिए चिकन यूज़ किया गया है। चिकन के पीसेस देखिए तो साफ पता लग रहा है, अच्छे से रच चुके हैं मसाले और बढ़िया से पक चुके हैं चिकन के पीसेस। तो लीजिए, पेश है लेमन चिकन। पहले तो रंग रूप देखिए कितना बढ़िया निखर के आया है और ये मैंने लेग पीस उठा लिया है, ये देखिए कितना शानदार लप लपा एकदम।
और आपको जैसे रवि जी ने समझाया कि किस टाइप की ये इसकी रेसिपी रहती है, बड़ी ही सिंपल सॉबर रेसिपी है। सारा खेल हल्के जो मसाले डाले जा रहे हैं और उसको जो प्यार दिया जा रहा है बनाते हुए, सारा खेल उसी का है। ये देखिए, तो ये हमने हाफ प्लेट ले ली है। ये देखिए, सबसे पहले चिकन के बड़ा ही मीडियम साइज़ के चिकन यूज़ करते हैं ये बनाने के लिए। ये देखिए, है ना शानदार, इसका टेस्ट देखते हैं। सारा खेल जो काली मिर्च डाली है उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, हल्का सा टमाटर का खट्टापन आ रहा है, और जो लेमन का है जो फ्लेवर आ रहा है वो इस चिकन को बहुत ही शानदार बना रहा है। हल्के हल्के माइल्ड मसाले हैं। ये ऐसा चिकन है कि छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, मेरी हम उम्र का सब खा सकते हैं, और ये आप पतली रोटी फुलके के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं और एज ए स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी रोहतक की स्पेशल फिश और स्पेशल लेमन चिकन। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे मज़ा ज़्यादा ये लेमन चिकन खाने का आया, इसमें फ्लेवर्स ज़्यादा हैं। शायद फिश का सीज़न नहीं है इसलिए थोड़ा सा कमी पेशी मुझे लगी, वो मुझे मज़ा उतना नहीं आया जितना मैं अगर सर्दियों में खाता आता, लेकिन वो भी प्रिपरेशन अच्छी है, सिंपल सॉबर अच्छी प्रिपरेशन है। तो ये दो जगहें ऐसी हैं, आमने सामने हैं, आपकी प्रेफरेंस है। अगर आप फिश खाना चाहते हैं तो फिश इंजॉय कर सकते हैं, चिकन के शौकीन हैं तो लेमन चिकन आपके सामने पेश है ही है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने रोहतक वाले यारों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, या आपका कोई रोहतक का फ्रेंड यहाँ आता जाता रहता है रोहतक घूमने तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उसे भी पता चल सके कि कहाँ पर बढ़िया चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।